भजन वो है नहीं यार साला भाग गया वो। भजन वो तो भाग गया। खुदैया करो साले की, उस हरामी की इतनी औकात, वो साला हम पर हमला करेगा। ठीक है भजन, चलो आप अपना हाथ उठाइए। मैं उठ रहा मैडम। विजय जी, जी डॉक्टर, इनका हाथ उठाइए आप। जी हाथ उठाइए। जी देखिए, ये चोट कोई आपको नॉर्मली चोट नहीं है, आपको गोली लगी थी, इसलिए आपको अभी आराम करना है, वरना आप अपना हाथ खो बैठ। छोड़ दीजिए आप। अब वो पागल वो क्यों रही है? इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे क्या बताते आपको, आपको बता के रुलाते क्या जानू? पर एक बार बताना तो चाहिए था। राजू कहाँ है? हमको नहीं पता। कौन है बे? अरे भजन आप? अरे भजन भजन बोल के भजन पे हमला करा दे। और हुआ क्या भजन? चलो अब तो भजन ही बताएंगे क्या हुआ। हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम भाईजान पे हमला करें? हम तो ससुराल गए थे, आज ही तो लौटे हैं। तो राजू कहाँ है? भाईजान हमको नहीं पता। आए तो उसे बता देना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। छोड़ दो इसे, चल। भाई इसको जाने क्यों दिया? यही हमको राजू तक पहुंचाएगा, बस इस पर नजर रखो। क्या हो राजू, काम हो गया? कैसे काम होगा मंत्री जी, जो आपने आदमी भेजे थे ना, वो गोलियां चलाने वाले नहीं चूड़ियां पहनने वाले में से थे। साला गुडवा ने एक बम क्या मारा, सारे के सारे धुन दबा के भग गए। कोई बात नहीं राजू, परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी उसको मारने के तमाम मौके मिले। ठीक है, बात तो आपकी सही है मंत्री जी, लेकिन अतीक हमारे लिए कोई मौका नहीं छोड़ेगा। राजू तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, इसलिए तुम अभी के अभी नेपाल के लिए निकलो, ताकि तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, निकलो। गुंजा, हाँ? कल हम इस शहर से बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कब तक के आओगे? देखो गुंजा, हमें ये नहीं पता कि हम कब तक आएंगे, लेकिन हाँ अगर जिंदा रहे तो जरूर आएंगे। हे भगवान,
ऐसा ना बोला करो जी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और हम ना आपको इंतजार करेंगे, लेकिन आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप ना जब भी आओगे मुझे से शादी करोगे। हम वादा करते हैं, हम बहुत जल्द आएंगे और जब भी आएंगे तुमको ही अपनी दुल्हनिया बनाएंगे। भाईजान, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तो वहां नहीं बन सकता है क्योंकि जमीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हाँ, अगर इमाम बाड़े के सामने की जो दुकानें हैं वो खाली हो जाएं तो वहां बन सकता है और हम पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं। तो बनवाओ ना, निकट है। लेकिन भाईजान, इमाम बाड़े के बाहर सब अपने ही लोग। ठीक है, बुला सबको। जी ठीक है भाईजान। अरे भाईजान तो देवता आदमी। हाँ, वो तो है। लो भैया, लो भैया, लो लो लो, आप भी लो। लो भैया। सलाम भाई, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। देखिए, आज हम जो कुछ भी हैं सब आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हैं। आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है तो हम चाहते हैं कि हम भी आप लोगों के लिए कुछ करें, तो इसलिए हम एक विद्यालय बनवाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात। और इस नेकी काम में हमें आप सभी का साथ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, हम लोग सब लोग आपके साथ। जो ये विद्यालय बनेगा इमाम बाड़े के पास होगा और यह इलाहाबाद का सबसे बड़ा विद्यालय होगा। ये तो बहुत अच्छी बात। और इसके लिए जो वहाँ पर आप लोग की दुकानें हैं वो हटानी पड़ेगी। अरे ये तो दुकान, देखिए आप लोग चिंता मत करिए, जो वहाँ का सर्कल रेट चल रहा है हम उससे आपको डबल पैसा देंगे। ठीक है, आशा है कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर, आराम से पढ़कर और कल तक साइन कर देना। नमस्कार। हमको बोल दो जाकर, हमको नहीं बेचना अपना जमीन। अरे आपको पता है अगर हम जमीन बेच देंगे तो खाएंगे क्या? जिस तरह हमारे लोगों की पढ़ाई भी रुक जाएगी। उनको कैसे मना कर दें, बहुत सारे एहसान है उनकी। अभी बिट्टी की शादी में पूरा दहेज वही तो दिए, अब तुम ही बताओ उनको हम कैसे मना कर दे। पापा हम कुछ नहीं जानते, उनसे साफ बोल दो जाके हमको नहीं बेचनी अपनी दुकानें। हाँ असलम भाईजान, वो गरीबी से मान नहीं रहा। अरे मान कैसे नहीं रहा, उसको डबल से तीन गुना का ऑफर दो। ठीक भाईजान, भाईजान आपको बहुत मानते इसीलिए बोले हैं आपको तीन गुना पैसा देने को। अब तो आप खुश हो ना? देखिए भाईजान, हमारे लिए भगवान के समान है, वो कहें तो हम अपनी जान दे देंगे मगर ये दुकानें नहीं दे पाएंगे। तो कहावत सही कही गई, एक कुत्तों को घी नहीं हजम होता। आज आपने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। काहे रोज नहीं बनाते हैं क्या? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या था कहने का मतलब?
आप खाइए, हम देखते हैं। भाभी वो अपने आदमी को गोली लग गया है, भाईजान से बात कराइए। ये लीजिए, अपने आदमी को किसी ने गोली मार दी है। हेलो भाईजान, वो अपने आदमी को गोली मार दिया। कौन चलाया गोली? वो गरीबी से लौंडा लो, उन सालों को अभी कभी उठाओ। ठीक भाईजान, हम पहुंच रहे हैं। अब हम भी चलेंगे। अरे बेटे तुम वहां कहां जाओगे, अब्बू भी आ रहे हैं, तुम खाना खाओ। अजान के आदमी को मारोगे? तुम्हारी इतनी औकात सालो, छोड़ दिया साहब। हैं? कौन चला रहा गोली? कौन चला गोली? पूरे इलाहाबाद में लोग हमसे आंख मिलाने में डरता है और तुम हमारे आदमी को गोली चला दिया। सफी का मन नाम है हमारा। आइए भाईजान। हम सब दोनों बात करिए, अब हमका खाना पानी को भैया पार खाओ गरीबे, पार खाओ। एक दिन पाप घड़ा भरी जरूर उनका भैया, साथ रहो। भाई जान हमको लगता है इस बार आपको संसदी लड़नी चाहिए, हमें यकीन है जीत आपकी ही होगी। असलम बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन विधायकी कौन संभालेगा? अरे भाई जान इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात, विधायकी अशरफ भाई संभालेंगे और संसदी आप, सन भी आपका और पुत भी आपका। बात तो सही कर रहे हो असलम भाई, तो तैयारी शुरू करिए। ठीक भाई जान। शफीक अहमद को बात समझ आ चुकी थी, इधर शफीक सांसदी का इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है। सभी भाइयों और बहनों को हमारा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आपके अपार प्यार की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि भविष्य में कभी आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, मैं जहां रहूंगा वहां पर न्याय होगा। और उधर अपने छोटे भाई अशरफ को विधायकी के लिए खड़ा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका करीबी दुश्मन राजू पाल। हमारा बर्बाद खत्म हुआ, अब वक्त आ गया है सफीक को मुंह तोड़ जवाब देने का। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। जिस तरीके से आप लोगों ने आज तक के भाईजान को सपोर्ट किया है, हमें भी सपोर्ट करें। हमारा आप लोगों से वादा है कि कभी आपको निराश नहीं करेंगे। निराशा? अरे यार उनके राज्य में हमें मिला ही क्या है, बताओ तुम्हारे नौजवान लड़के मार दिए, आज तक आपके साथ कोई इंसाफ हुआ? नहीं होगा, जब तक उनकी सरकार रहेगी, जब तक उनकी सत्ता रहेगी, तब तक किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। Oh, 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 oh
इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रथम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार है। राजू पाल से अशरफ अहमद लगभग 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार है। राजू पाल अपने निकटतम प्रतिरोधी अशरफ अहमद से लगभग 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं। दिल में तो आता है कि अशरफ ज्यादा परेशान मत हो, अभी हम है ना, इसी बात का तो रोना है भाई कि आपके होते हुए हम इलेक्शन कैसे हार गए। आपके नाम की तूती पूरे इलाहाबाद में बोलती थी, लेकिन अब जनता के बीच से आपका खौफ खत्म हो गया है भाई। और ये हार मेरी हार नहीं है, ये आपकी हार है भाई, आपकी हार। अब जनता के अंदर खौफ भी होगा और तुम इलेक्शन भी जीतोगे, और ये काम तुम्हें को करना होगा। आप जो बोलेंगे भाईजान, हम वो करने को तैयार हैं। बस मुझे एक कुर्सी चाहिए, बस। तुम यहीं बैठे रहना, कुछ होगा नहीं तुमसे। अरे जा साले को।
आप बैठो, मैं पानी ले जाऊं। मुंजा? हाँ। हम कल गांव जा रहे हैं। क्यों? कल 26 जनवरी है ना, तो हम सोच रहे गांव हुआ है। फिर आएंगे कब? शाम तक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर तो भूलना ही मत। पार्ट 6 बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में आने वाला है, तो प्लीज तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में आ रहा है पार्ट 6, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।